नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सागर पवार आपका इस चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम देखने वाले हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग की क्या ज़रूरत है इस दुनिया में या इंडिया में। हम देखेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग की क्या ज़रूरत है। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाएँ। देखो, 100-200 साल पहले, 300 साल पहले, जहाँ पे हम परदादा दादाजी के उनके दादाजी के ज़माना था, तब की बात करेंगे तो तब आदमी के पास 100, 200, 400, 500 एकड़ खेती रहती थी। पर उस खेती में काम करने के लिए लोग कम रहते थे, इस कारण 90% खेती ऐसे ही पड़ी रहती थी। समझो, एक आदमी के पास 100 एकड़ खेती है तो उसमें 90 एकड़ खेती ऐसे ही पड़ी रहती थी। 100 एकड़ में ही वो क्या करते थे, अनाज उगाया करते थे। यानी कि 90% खेती में अनाज उगाया नहीं जाता था, ओनली 10% खेती में अनाज उगाया जाता था। कारण लोग कम थे और खेती ज़्यादा थी। बाद में लोगों के समझ में आ गया कि अगर घर में काम करने के लिए लोग ज़्यादा बढ़ेंगे तो अपने आप हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा खेती में अनाज उगा सकते हैं। तो लोगों ने ज़्यादा बच्चे पैदा करना शुरू किया। अभी ज़्यादा बच्चे हो गए तो ज़्यादा लोग आएंगे, एक मैन पावर बढ़ेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा खेती में अनाज उगा सकते हैं। एक ही घर में 8-8, 10-10, 15-15 बच्चे पैदा होने लगे, तो इसके कारण पॉपुलेशन बढ़ता गया, लोग काम में आने लगे, ज़्यादा खेती में अनाज उगाया जाने लगा, शुरू हुआ। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा खेती काम के लिए आने लगी, उसमें अनाज उगाना चालू हो गया। पर उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी भी बढ़ने लगी। पहले खेत के सारे काम बैल से किया जाते थे, जैसे हल चलाना, खेत में बीज बोना, ऐसे सारे काम बैल के साथ किए जाते थे। पर टेक्नोलॉजी आई और बैल की जगह ट्रैक्टर ने ले ली। ट्रैक्टर आने के कारण जो काम एक दिन में किया जाता था वो काम एक घंटे में होने लगा और सारी खेती में अनाज उगाया जाने लगा। पर धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ता गया और टेक्नोलॉजी भी बढ़ने लगी, और इस कारण अब लोगों के पास टाइम बचने लगा, क्योंकि एक घंटे का काम 10 मिनट में होने लगा, एक दिन का काम एक घंटे में होने लगा। यानी कि लोगों के पास टाइम बचने लगा क्योंकि लोग भी बढ़ते जा रहे थे। तो फिर लोग बढ़ने के कारण 100 एकड़ अगर खेती होगी तो उसमें 5 बच्चे में वो खेती बटने लगी। अगर 100 एकड़ ज़मीन है और 5 बच्चे हैं तो हर एक बच्चे के लिए 20 एकड़ ज़मीन आती है, 20 एकड़ खेती उस बच्चा करने लगता है। यानी कि क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों के पास की खेती भी कम होने लगी और टेक्नोलॉजी के कारण समय भी ज़्यादा बचने लगा। तो लोगों के पास काम नहीं बचा। फिर लोगों ने एक प्लानिंग किया कि अगर 5 बच्चे घर में है तो उसमें से 2 खेती करेंगे और 3 जो है वो बाहर जाके कहीं पे नौकरी करेंगे। ऐसा करना चालू हुआ, लोग नौकरी के लिए बाहर पढ़ने लगे, गांव छोड़ने लगे और शहर में जाने लगे, वहाँ पे नौकरी करने लगे। अभी नौकरी में देखेंगे तो नौकरी में भी धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आने लगी। जैसे कि पहले देखो, मुनीम जी रहते थे अकाउंट का काम करने के लिए, और मुनीम जी एक ही व्यापारी के पास 10-10, 15-15 मुनीम जी रहते थे, क्योंकि वो उंगली के ऊपर सारा काम होने लगता था। यानी कि व्यापारी क्या करता, अकाउंट के लिए बहुत सारे मुनीम जी को काम देता था। पर आगे जाके वो काउंटिंग करने के लिए कैलकुलेटर आ गया। कैलकुलेटर आने के बाद 10 मुनीम जी का काम एक अकेला कैलकुलेटर करने लगा, तो बाकी के 9 मुनीम जी का काम खत्म हो गया, उनको काम से निकाला जाने लगा। ऐसे ही हर एक सेक्टर में टेक्नोलॉजी आ गई, मशीन्स आ गए, और मशीन्स आने के कारण 10 लोगों का काम एक ही मशीन करने लगा। पहले देखिए, जब लिखना था तभी वो स्याही में पेन डुबो के वो लिखना पड़ता था, इसके लिए बहुत टाइम जाता था। पर अब क्या हो गया, रिफिल आ गया, पेन आ गया, तो फास्ट लिखना चालू हो गया। फिर उसके बाद प्रिंटर आ गया, यानी कि प्रिंट में हम ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी तरह से प्रिंट करके अच्छे तरह से लिख के लेते हैं। पहले हवा करने के लिए, यानी कि हवा देने के लिए
लोग थे, लोग हाथ में वो जो पंखा रहता था वो लेके हवा करते थे, जैसे कि पहले राजा महाराजाओं के पीछे जो लोग खड़े रहते थे और हवा करते थे, वैसे हवा करने के लिए मैन्युअली किया जाता था, पर अब ऑटोमेटिक फैन आ गया, वो अपने आप हवा देता है। पहले चिट्ठी कबूतर लेके जाता था, फिर पत्र आ गया, फिर मोबाइल आ गए उसमें मैसेज आ गया, फिर ईमेल आ गए, अब व्हाट्सएप का ज़माना है, सेकंड में मैसेज जाता है, और आगे से 10 मिनट लेट हो गया रिप्लाई देने के लिए तो शेक भी हो जाता है, क्या कर रही है, किसके साथ है, रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे, फ़ोटो भेज, सेल्फी भेज, वीडियो कॉल कर, तो ऐसे बहुत सारे शेक भी बढ़ने लगे। तो मेरा कहने का मतलब है टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो टेक्नोलॉजी आने के कारण 10-20 लोगों का काम एक ही आदमी करने लगा, और नौकरी में भी लोगों को निकाला जाने लगा, नौकरी भी कम हो गई। अब 100 लोगों की जगह मशीन पे 10 लोग ही काम करने लगे हैं, लोग बेरोजगार होने लगे। फिर गांव में आते हैं तो गांव में भी खेती कम हो गई और नौकरी भी जाने लगी, तो लोग बिजनेस की तरफ बढ़ने लगे। इतने लोग व्यापार करने लगे कि गांव में एक ही किराना दुकान रहता था, अब देखेंगे तो गली में दो दो तीन तीन दुकान होने लगे, यानी कि व्यवसाय में कॉम्पिटिशन बढ़ने लगा। अब इतने सारे लोगों को रोज़गार कहाँ से दिया जाए, ये बहुत बड़ा सवाल सरकार के सामने है, और सरकार भी इतने रोज़गार कहाँ से देगा, फिर इसका इलाज क्या है, कहाँ से मिलेगी इतने बेरोजगारों को रोज़गार। तो एक बिजनेस है जो इतने बेरोजगारों को रोज़गार दे सकता है, और वो है नेटवर्क मार्केटिंग MLM, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज। यहाँ पे हर बेरोजगार को रोज़गार मिल सकता है, ऐसे बिजनेस यहाँ पे खड़ा किया है डायरेक्ट सेलिंग ने, नेटवर्क मार्केटिंग ने। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अगर आप पूरी नॉलेज ले लेंगे तो एक बहुत अच्छा बिजनेस आपके सामने है, जो आपको और आपके परिवार को बचा सकता है। और इस सारी बातों के ऊपर गौर किया तो सच में नेटवर्क मार्केटिंग की ज़रूरत इंडिया को और पूरी दुनिया को है, यही नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को और देश को आगे ले जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा एक कमेंट बॉक्स में बताइए, और अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाएँ, ताकि हर एक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। जय हिंद।